Namaste friends, today is the 21st day of the lockdown and abhi Modi ji ne announce kiya ki ye lockdown jo hai 3 mai tak continue rahega. So unki soch unki samajh se unhone jo nirnay liya, I think hamare bhale ke liye hamare hit mein liya hai. So we just got to obey and live in accordance to what has been decided. 21 din pehle jab ye lockdown shuru hua tha to maine aapse kaha tha ki hum har din aapke liye agle 21 din tak video layenge. और पिछले 20 दिन तक हमारे 20 वीडियोस आए, हर दिन एक नई कहानी, एक नई स्टोरी. और आप लोगों का बड़ा इसमें बड़ा योगदान रहा. आई एम सो थ्रिल्ड दैट आप लोगों ने इतना उसको एंजॉय किया, आपने इतना अच्छा इनकरेज किया हमें. सम ऑफ यू सेड कि आप 12 बजे तक वेट करते थे कि 12 कब बजेंगे दिन में और हमारा वीडियो आएगा. सम ऑफ यू सेंड सम ऑसम मैसेजेस दैट उसके बिना ऐसा लगता नहीं कि दिन पूरा होता है. So some of you watch it at 12, some of you watch it in the evening with your family. And bahut se logon ka aisa bhi tha ki it has now become a part and parcel of our daily life. So thank you so much for all this encouragement and aapne jo hamara hausla banaya. Hum bhi busy rahe pichle itne dinon mein to think and to prepare and to record with whatever limited facility we had at home. So locations change karna, dhoondna, kahan par kare recording. घर वालों को बोलना कि अभी साउंड मत बना करो, आवाज़ मत करो, रिकॉर्डिंग चालू है. उनका भी कंट्रीब्यूशन है टू फॉर मेकिंग दीज वीडियोस. रचना हैज़ बीन देयर रिकॉर्डिंग देम, किड्स हैव बीन देयर एडिटिंग देम. तो हम लोगों ने काफ़ी, इट वाज काइंड ऑफ अ टीम वर्क कि सब घर वालों ने एक सपोर्ट किया और ये वीडियोज़ बनते गए. बीच में चैलेंजेस भी हुए, द ब्रॉडबैंड कॉन्ट ऑफ, अभी भी वो ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, 10-12 दिन हो गए और अभी कोई टेक्नीशियन आ भी नहीं सकता ठीक करने के लिए, लॉकडाउन है. तो चल रहा है अपना टेलीकॉम सर्विसेज के भरोसे सब काम, बट ठीक है, चला रहे. सो आज के दिन एक और स्टोरी आप लोगों के लिए. और वो स्टोरी सुनाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अब आगे कल से जो है मेरी टीम डालेगी वीडियोज. मेरे वीडियोज अभी रेगुलरली फ्रेशली रिकॉर्डेड नहीं होंगे. मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं डालूँ, क्योंकि काम बहुत आ गया है सर पे. पिछले काफ़ी दिनों का पेंडिंग काम है, टीम से बात करनी है, आगे के बारे में सोचना है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की काउंसलिंग्स हैं जो करनी है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं उनको अटेंड करना है अभी. और एंड आगे के फ्यूचर बिजनेस एजेंडा को लेके बात सोचना है, बिजनेस प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी रहूँगा. एंड मेरा मुझे लगता है कि ये थोड़ा वीडियोस मेरे जो लाइव वीडियोस हैं थोड़े कम होंगे. तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं होंगे, शायद एक आध दो दिन का गैप होगा. लेकिन माय वीडियोस विल कीप ऑन कमिंग. मेरे पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्टेज प्रोग्राम के वीडियोज हैं, मेरी टीम निकाल रही है उनको और वो डालेगी आपके लिए. आपको इंस्पायर्ड रखने का हमारा वादा है और वो वादा हम बिल्कुल निभाएंगे जब तक लॉकडाउन चलेगा. इनफैक्ट जब तक है जान तो वो हम करेंगे आप लोगों के लिए. तो बस ये है कि लाइव नहीं हो पाएंगे रिकॉर्डिंग्स जो अभी हो रही हैं, ये शायद 2 या 3 दिन में एक मिलेगी. अभी तो थोड़ा रैशनिंग करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड है और काम जो है मुझे आगे जो करना है उसके बारे में मुझे अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. तो आज की स्टोरी है एक बड़े इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पे, जो मुझे लगता है कि अगर हमने पकड़ ली बात तो शायद हमें जो चाहिए लाइफ में, जो हमें कामयाबी चाहिए, जो हमें सक्सेस चाहिए, जो हमें मुकाम चाहिए, जो मंजिल पर पहुंचना है, उस मंजिल में पहुंचने के लिए ये एक क्वालिटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए. आपको एक कहानी सुनाता हूं जो मेरी बड़ी फेमस कहानी है, मैंने काफी प्रोग्राम्स में सुनाई है ये कहानी. और ये क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले हैं, ये उनकी भी बड़ी फेमस कहानी है, वो भी बड़ी सुनाते हैं कहानी. तो कहानी ऐसी है ऑफ अ क्रिकेटर कॉल्ड, श्रीलंकन क्रिकेटर कॉल्ड मार्विन अटापट्टू. हमने सबने नाम सुना है उनका. ऑसम प्लेयर, ग्रेट बैट्समैन, वेंट ऑन टू लीड द श्रीलंकन टीम ऑल्सो एंड ही मेड अ ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ. कहानी उनकी ऐसी है कि जब वो पहली बार उनको सेलेक्ट किया गया खेलने के लिए फॉर टेस्ट क्रिकेट फॉर द श्रीलंकन टीम, तो पहले इनिंग्स में उनका स्कोर 0-0 रहा. तो बड़ी उम्मीदें थी सेलेक्टर्स को, लोगों को उनसे कि वो खेलेंगे, लेकिन वो खेल नहीं पाए एंड पहले मैच में उनका स्कोर 0-0 रहा. सेलेक्टर्स शायद थोड़े बेचैन होंगे, पेशेंस नहीं होगा, तो उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप कर दिया तो उसके बाद उनको बुलाया गया
उन्होंने ये लोग वापस गए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इन्होंने काफी फिर मेहनत करी, फिर उन्होंने रन बनाए, फिर उन्होंने अपने गेम पर फोकस किया एंड ही फोर्स्ड द सेलेक्टर्स टू लुक एट हिम एंड अगेन ही वॉज कॉल्ड आफ्टर 21 months. 21 महीने के बाद उनको बुलाया गया वापस खेलने के लिए, वापस ही आए खेलने के लिए. और इन्होंने फिर जब बैटिंग करी तो पहले इनिंग्स में 0 और सेकेंड इनिंग्स में 1 run. कैन यू इमेजिन दैट कि एक इंसान कितने उससे सोच से, कितनी एक आशा से आया होगा कि मैं इस बार रन बनाऊंगा. एंड ही गेट्स आउट ऑन अ डक एंड ही गेट्स आउट एंड ही गेट्स अ 1 इन द सेकेंड इनिंग्स. अगेन ही वॉज ड्रॉप्ड. अगेन ही वेंट बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड अगेन ही वेंट बैक टू हिज प्लेइंग हिज स्टाइल. उन्होंने देखा मैं क्या इंप्रूव करूं, कहां अच्छा बनूं, और बहुत अच्छा खेले, बहुत रन्स बनाए. एंड 17 महीने तक इन्होंने बहुत मेहनत करी और 17 महीने बाद इनको सेलेक्टर्स ने वापस बुलाया कि चलो ठीक है अभी लेट्स सी इफ यू कैन प्ले वेल. तो पहली बार जब आए थे तो 0-0, सेकेंड टाइम आए थे तो 0-1, अब थर्ड टाइम इनको लिया गया तो इन्होंने फिर खेला मैच और फिर इन्होंने बनाए 0-0. नाउ पीपल हैड गिवन अप ऑन हिम. जो उनको प्यार करते थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनको भी लगा शायद यार अटापुटू में वो बात नहीं है जो एक इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी की होनी चाहिए. शायद टेम्परमेंट नहीं है बड़ी टीम साथ खेलने का, शायद इनको ये डोमेस्टिक के लिए ठीक है. और ऐसा करके उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया. अब तो सबने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता इनको वापस ले जाए. 3 बार चांस मिला एंड वापस अटापुटू गए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में. इन्होंने फिर मेहनत करी, फिर जान लगाई, फिर अपने ऊपर काम किया एंड रन्स एंड रन्स एंड रन्स ही स्कोर्ड इन द डोमेस्टिक क्रिकेट. और फाइनली 3 साल बाद, अब आप देखिए 21 महीना एक वेट, 17 महीना एक वेट और 3 साल एक वेट, तो रफली वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 6 years. 6 साल लगातार ऐसा मेहनत करने के बाद और वो उनको फिर चौथी बार बुलाया गया एंड दिस टाइम ही वेंट एंड ही स्कोर्ड ऑसमली वेल, बहुत रन्स बनाए एंड ही वेंट ऑन टू प्ले क्रिकेट फॉर श्रीलंका फॉर लॉन्ग टाइम. 5,000+ उन्होंने रन्स बनाए, लीड किया टीम को एंड ही बिकेम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. तो ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इस कहानी के पीछे जो है अगर आप देखो एक क्वालिटी है अटापुटू की जो वो क्वालिटी दर्शा रहे हैं बार बार, और वो क्वालिटी है द क्वालिटी ऑफ कमिटमेंट. एक उनका खुद से वादा, एक उनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कि मुझे सफल होना ही है. आई एम कमिटेड टू माई ओन सक्सेस, आई एम कमिटेड टू माई ओन टू माई बींग सिलेक्टेड इन द इंटरनेशनल टीम. माई कमिटमेंट टू प्रूविंग माई सेल्फ, नॉट टू द वर्ल्ड. दुनिया तो जो बोलेगी बोलेगी, लेकिन मेरा खुद से वादा है कि मैं खुद को प्रूव करके रहूंगा कि मैं अच्छा खेल सकता हूं. तो ये वादा उन्होंने किया, ये कमिटमेंट उनकी थी और ये कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग थी ये हमें दिखता है कि उन्होंने 6 साल मेहनत करी. 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ये इतनी बार ड्रॉप करने के बाद, इतनी बार उनको निकालने के बाद उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, कमिटेड रहे अपनी कामयाबी के प्रति. तो ये कहानी हमें बोल रही है कि क्या ख्वाहिशें हमारी भी होती हैं, चाहते हमारी भी होती हैं, तो क्या हम इतने कमिटेड हैं जितने अटापुटू थे अपनी कामयाबी के लिए. और यहीं पर फर्क आ जाता है. बहुत से लोग जो होते हैं सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं, उनको सिर्फ चाहत होती है लेकिन कमिटमेंट नहीं होती. अगर हम कमिटमेंट ले आए अपनी चाहत के साथ, इट बिकम्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. तो बहुत से लोग कुछ चीज चालू करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो कि हम अच्छी बॉडी बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम मैराथन्स भागेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा, कोई बोलता है कि साहब मैं ड्राइंग पेंटिंग करूंगा, कोई बोलता है कि मैं अपने बिजनेस को इस मुकाम पे ले जाऊंगा, कोई बोलता है कि साहब मैं गो एंड डू समथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मैं ट्रैवलिंग करूंगा, कोई लोग बोलते हैं कि कोई स्पोर्ट्स में है तो मैं स्पोर्ट्स में मैं अपना नाम करूंगा. तो फर्क ये हो जाता है कि कुछ लोगों में या बहुत से लोगों में सिर्फ चाहते होती हैं, दे हैव जस्ट वॉन्ट्स, डिजायर होती है, वो चाहत के पीछे की कमिटमेंट में सुखती है. और कमिटमेंट में जो लगता है कि वो इंजन है जो ये सारे डब्बों को खींचता है. जब इंजन ही नहीं है तो डब्बे तो वैसे खड़े होने वाले. तो वो बांसुरी सीखना या तबला बजाना या फिर वो वायलिन सीखना या फिर वो गिटार बजाना, वो सिर्फ चाहत थी और चाहत रह जाती ना. वो सिक्स पैक बनाना या मैराथन भागना, वो एक चाहत थी, लेकिन उसके पीछे का जो इंजन लगना चाहिए था वो इंजन नहीं लगा. और ये इंजन जो होता है ना, ये इंजन कमिटमेंट का, ये कमिटमेंट का इंजन पीछे लगता है. चाहत आगे होती है, इंजन पीछे होता है. अगर ये इंजन पीछे लग गया आपकी चाहत पे तो आप निकल जाते हो.
तो ये दोनों का होना बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है, कॉम्बिनेशन दोनों का, कि चाहत, योर वॉन्ट, योर डिजायर, योर डायरेक्शन, योर विजन प्लस अ कमिटमेंट. अगर ये दोनों हो गए कि विजन है, एक चाहत है और उसके पीछे आपने ये इंजन लगा दिया कमिटमेंट का, इट बिकम्स अनडिफीटेबल कॉम्बिनेशन. तो ये एक इसकी एक बात. मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 21 दिन तक वीडियो बनाऊंगा और मैंने सिर्फ वादा किया और इट वॉज अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड. इट वॉज मोर देन अ वादा, इट वॉज मोर देन अ प्रॉमिस, इट वॉज अ कमिटमेंट कि मैं करूंगा. और मुझे आए चैलेंजेस. मैंने आपको पहले बताया कि चैलेंजेस थे काम के बारे में. मेरे टीम मीटिंग्स होती थी सुबह सुबह, तो उनको टीम मीटिंग्स को ओपन चेक करना, कुछ मीटिंग्स मैंने मिस करी बिकॉज ये टाइम रिकॉर्डिंग का टाइम होता था. आई आई एम पैक्ड, आई ट्रस्ट मी, इतना मैं पैक लॉकडाउन से पहले नहीं हुआ जितना अभी हुआ. सो मेनी पीपल दे वॉन्ट माई टाइम फॉर काउंसलिंग, फॉर फॉर कोई किसी को इंस्पिरेशन चाहिए, किसी का चैलेंज है, किसी का कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, किसी को टीम नहीं हैंडल हो रही है, किसी के घर में चैलेंजेस हो रहे हैं. एंड इतना काम, मेरी टीम भी इतना काम कर रही है. एंड आई हैव बीन टेलिंग देम, इंस्पायरिंग देम, उनको भी इंस्पायर करना है, लोगों की टीम को भी इंस्पायर करना है. अभी कल ही मैंने एक बड़े ग्रुप को वेबिनार में टॉक दिया. दुनिया भर के मतलब फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री पीपल वॉन्ट माई टाइम ऑन वेबिनार्स बिकॉज अब वेबिनार के थ्रू आसान हो गया रीच करना लोगों को. सो उसके बावजूद भी ये वीडियोज बनाने थे, तो मेरा कमिटमेंट था खुद से. मैं कहा नहीं यार, मैंने वादा किया है ना, तो ये 21 दिन का वीडियो तो मैं बनाऊंगा. और मैं बड़ा खुश हूं कि मैं ये वादा पूरा कर पाया. तो ये डिजायर था, डिजायर के पीछे कमिटमेंट लग गया और ये काम हो गया. दूसरी चीज होती है जब हम कमिटमेंट्स पूरा करते हैं अपने, कि जब हम कमिटमेंट्स पूरा करते हैं तो हम अपनी नजरों में उठ जाते हैं. देखिए दो तरह की कमिटमेंट होती है, एक जो हम पब्लिक के लिए करते हैं कमिटमेंट, कि हमने किसी को वादा किया, जैसे मैंने आपको वादा किया कि मैं आपको वीडियोस बना के मैं इंस्पायरेशन आपके इंस्पिरेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अगले 21 दिन की, और मैंने कहा हर दिन आपको वीडियो बना के दूंगा. तो ये मेरा आपसे वादा हो गया. जब मैं आपके आपको मैंने वादा दिया है, वो वादा मैं पूरा करता हूं, वो कमिटमेंट मैं पूरा करता हूं जो मैंने आपको कमिटमेंट दी, तो मैं आपकी नजरों में उठ जाता हूं. जब मैं वो वादा पूरा करता हूं या वो कमिटमेंट पूरा करता हूं जो मैंने खुद को दिया होता है, तो मैं अपनी नजरों में उठ जाता हूं. सो देर आर सम प्राइवेट कमिटमेंट्स एंड देर आर सम पब्लिक कमिटमेंट्स. तो ये कमिटमेंट देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. और एक बार अगर कमिटमेंट दिया तो फिर हमने जान लगानी चाहिए उसको पूरा करने की. तो ये अपनी नजरों में उठने का, अपनी नजरों में राइज करने का, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है. दैट कैन वी यू नो कैन वी फुलफिल अ कमिटमेंट्स जो हमने खुद को दिए. और दूसरों की नजरों में उठने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हमने जो दूसरों को कमिटमेंट दी है, क्या हम वो पूरी कर सकते हैं. तो चाहे वो छोटी कमिटमेंट हो चाहे बड़ी कमिटमेंट हो, नजरों में उठने का कार्यक्रम हो जाता है चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, और नजरों से गिरने का भी कार्यक्रम हो जाता है चाहे वो कमिटमेंट छोटी हो बड़ी हो. आपने किसी को कमिटमेंट दिया कि मैं आपको शाम को 6 बजे मिलूंगा और आप नहीं मिलते हो उसको. आपने किसी को कमिटमेंट दिया कि मैं आपको फोन करूंगा और आप फोन नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिग्री से उस इंसान की नजरों से थोड़े नीचे हो जाते हो कि यार ये बोलते हैं लेकिन करते नहीं है. इसी तरह जब आप अपने आप को वादा करते हो और अपने आप को वादा करा हुआ आप पूरा नहीं करते हो, तो आप अपनी नजरों से नीचे गिरते हो. मतलब आपको अपने बातों पे विश्वास होना कम 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 शुरू हो जाता है. और इससे खतरनाक बात नहीं हो सकती. देखिए दुनिया की नजरों में नीचे गिरते हो या दुनिया के मन में आप नीचे आते हो कि यार इनकी बात का भरोसा नहीं, वो भी बुरा है लेकिन कुछ हद तक बुरा है. लेकिन आप खुद की बातों को विश्वास नहीं करते हो, ये इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती. और आप खुद को वादा करते हो हर दिन, हर शाम आप वादा करते हो. आपको सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट वादा बताता हूं मैं आपका, और जो आप हर रात करते हो, आप वादा करते हो सोने से पहले कि कल पक्का उद्या नक्की, कल पक्का मैं उठ के सुबह एक्सरसाइज करूंगा. एम आई राइट और नॉट? आप वादा करते हो खुद को रात को सोने से पहले कि सुबह इतने बजे उठूंगा. और फिर क्या होता है, सुबह सुबह आप वो वादा तोड़ देते हो, सुबह सुबह आप वो कमिटमेंट तोड़ देते हो. तो फिर क्या हो गया है, आप अपनी नजरों में कहीं ना कहीं आप नीचे 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 होते जा रहे हो. आपका मन आपसे कह रहा है कि यार तू तो बोलता ही है, तेरी बात में दम नहीं है. अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि किसी ने आपको वादा दिया कि मैं इतने बजे आपको मिलूंगा और वो इंसान नहीं आता उतने बजे, उसने कहा मैं 6 बजे आऊंगा और वो 6 बजे नहीं आता आपसे मिलने के लिए, तो आपके मन में क्या बात बैठ गई, अरे यार ये इंसान जो है ना टाइम का पक्का नहीं है.
फिर नेक्स्ट बार फिर मीटिंग होती है आपसे उसकी, और फिर वो बोल या आपकी बात होती है फोन में उससे, और आप फिर वो आपको बोलता है कि मैं आपको 6 बजे मिलूंगा, और वो फिर नहीं मिलता आपको 6 बजे, वो आता नहीं 6 बजे, तो आपके मन में क्या होता है? अभी पक्का हो जाता है यार ये इंसान ना ये लेट कमर है, ये टाइम का पाबंद नहीं है, इसको अपनी जबान की कीमत नहीं है। और जब वो तीसरी बार आपको बोलता है कि मैं 6 बजे मिलूंगा या इस फलाने फलाने टाइम पर मिलूंगा, तो आपके मन में क्या बात आती है? या शायद आप वो आप मुंह से उसको बोल भी दोगे कि यार छोड़ना, तो मुझे मालूम है तू कैसा है, तू बोलता है सिर्फ करता कुछ नहीं। वो कितनी बार उसने वादा खिलाफी करी, कितनी बार उसने आपका कमिटमेंट पूरा नहीं किया? 2 बार। 2 बार के पूरा ना करने पे आपने एक स्टैंप बना दिया, दे दिया, उसके माथे पर लगा दिया, आपने मन में बात बना ली यार ये आदमी का भरोसा नहीं करना, ये वादा पूरा नहीं करता, सिर्फ 2 बार पे। हाँ, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कितनी बार खुद को बोला, आपने कितनी बार खुद को बोला कि मैं सुबह उठूंगा, और आप कितनी बार आपने वो वादा तोड़ा? 1 बार, 2 बार, 5 बार, हजारों बार। आपने हजारों बार वादा किया और आपने हजारों बार वादा तोड़ा, am I right or not? तो जब आपने इतना वादा तोड़ा और आपने अपनी बात का विश्व अपनी बात का अपनी अपनी जुबान की बात नहीं रखी, अपनी बात नहीं रखी, तो आपकी इमेज आपके बारे में क्या है? वो तो बाहर वाले ने 2 बार नहीं किया तो आपने उसको बोला ये लेट कमर है। तो आपने जब हजारों बार खुद को बोला और नहीं किया, तो आपका अंतर्मन, योर सबकॉन्शियस सेज टू यू, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गिव अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि टुमारो मॉर्निंग आई विल गेट अप एट 6 o'clock, तो आपका सबकॉन्शियस बोलता है अरे छोड़ना, तू कौन सा उठा है आज तक? आप बाहर से बोलते हो कि मैं उठूंगा, अंदर सबकॉन्शियस आपका बोलता है तेरे बस की बात नहीं। और यही आवाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, माने रखती है, और हमने इसी आवाज को कमजोर बना दिया। तो अंदर की कॉन्शियस सबकॉन्शियस की आवाज को मजबूत बनाने के लिए सबसे सिंपल चीज है अपने को खुद को वादा किया हुआ उसको पूरा करिए। और जब वादा पूरा करोगे अपनी नजरों में आप उठोगे। बहुत सिंपल है और मैं चाहता हूं कि आप इसको करिए। छोटे छोटे वादे दीजिए, डोंट गिव अ बिग कमिटमेंट टू द वर्ल्ड एंड टू योरसेल्फ कि मैं अभी सपोज आपकी आपका वजन सपोज अगर ज्यादा है तो डोंट से मैं 20 किलो कम कर दूंगा, तो मैं इस महीने में मैं 2 किलो कम करूंगा, मैं 3 किलो कम करूंगा, यू डिसाइड हाउ मच। तो छोटे छोटे वादे करिए और छोटे छोटे वादों को पूरा करिए, तो एक वादा पूरा करने की आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो फिर उसके बाद हम बड़े 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 वादे ले सकते हैं। सो कमिटमेंट बड़ा जरूरी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं फॉर ऑल ऑफ यू कि कमिटमेंट लाइफ में कामयाबी चाहिए। लाइफ में कुछ भी आप पाना चाहते हो जो पाने योग्य है, तो उसके लिए 2 चीज लगती है, एक आपकी चाहत, आपकी डिजायर, और उसके पीछे का इंजन कमिटमेंट, आपका दृढ़ निश्चय कि मैं उसको पाऊं। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, आगे डब्बा चाहत का, पीछे इंजन कमिटमेंट का, तो आप देखो फिर आप वहां पहुंच जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कमिटमेंट पूरा नहीं करते हो किसी को दिया हुआ, तो आप उसकी नजरों में नीचे गिरते हो। जब आप खुद को दिया हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं करते हो तो आप खुद की नजरों में नीचे गिरते हो। तीसरी बात, जब आप कमिटमेंट दिया हुआ पूरा करते हो तो आप उसकी किसी इंसान की नजरों में उठते हो, और जब खुद को दिया हुआ कमिटमेंट पूरा करते हो तो आप अपनी नजरों में ऊपर उठते हो। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बड़ा सरल तरीका है। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये वादे करिए, निभाइए, और देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ इमेज ये कैसे बढ़ेगी, और आपको अपने बारे में बड़ा अच्छा फील होगा। सो ये 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, और ये मेरा 21st वीडियो आप सबको आपके कॉन्फिडेंस और आपके कमिटमेंट के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर विद योर रिलेटिव्स, जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, ये हमारा YouTube चैनल को आप शेयर करिए, लिंक शेयर करिए। वी वुड लव टू हैव मोर एंड मोर पीपल हियर विद अस। ये हमने चालू किया कुछ दिन पहले YouTube चैनल, एंड अभी तक तो जो रिस्पॉन्स मिला है इट्स वेरी गुड, बट आई वुड लव टू हैव मोर एंड मोर पीपल। सो यही निवेदन है कि इफ़ यू लाइक इट डू शेयर इट, अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको लगा ये वीडियो अच्छा है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। मेक अ ग्रेट लाइफ, एंड फिर आता हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में, लेकिन बीच में मेरे वीडियोज आते रहेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे वीडियोज हैं वो आएंगे डेफिनेटली। आपकी इंस्पिरेशन की जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, जितना हो सकेगा, जब तक हो सकेगा, जब तक जान है तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस मुश्किल के समय में। मिलके निभाएंगे, मिलके निकलेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे हम लोग।
Love you all so much. Namaste.